दोस्तों, आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि लोग अपने पैसों को बहुत शो ऑफ करते हैं। इस तरह की वीडियोस आपको ज्यादातर इंस्टाग्राम, फेसबुक और कभी कभी यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाती होंगी, पर हमेशा ये पूरी तरह सच नहीं होता। एक बार एक ऑथर ने कहा था कि रियल रिच वही है जिसके पास रियल में कितना पैसा है ये उसके अलावा और कोई नहीं जानता, और ना वो खुद कभी अपने मुंह से इस बारे में बताता। ये तो मीडिया और लोग ही होते हैं जो उसके पैसों को लेकर हाइप क्रिएट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही मनी रूल्स बताऊंगा जो मिडिल क्लास लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है अगर आपको लाइफ में रिच और सक्सेसफुल बनना है। तो रूल नंबर वन, अगर आप सिर्फ पैसा लग्जरियस थिंग्स खरीदने के लिए कमा रहे हो तो ये आपको बंद कर देना चाहिए। आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, आपको ये समझना जरूरी है कि जब तक आप उस पैसे को कई हजार गुना मल्टीप्लाई नहीं कर लेते और मिडिल क्लास से हाई क्लास में खुद को ट्रांसफर नहीं कर देते, तब तक आपको लग्जरियस थिंग्स से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। आजकल लोग सोशल मीडिया पर शो ऑफ देख के खुद भी उसी रास्ते पर चल देते हैं, जबकि आपको खुद नहीं पता कि सामने वाले की रियलिटी क्या है। रूल नंबर टू, कभी भी किसी ऐसे इंसान को ज्यादा पैसा ना दें जिससे आपको पैसा वापस आने की कोई उम्मीद नहीं हो। किसी की मुसीबत में हेल्प करना अच्छी बात है, मगर जितना आपके पास खुद नहीं है उससे ज्यादा किसी की हेल्प करना आपको कभी बेनिफिट नहीं देगा, उल्टा आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अगर आप सामने वाले इंसान से पैसा नहीं मांग सकते बिकॉज वो आपका कोई क्लोज वन है, तो ऐसे इंसान को सिर्फ उतना ही पैसा उधार दें जितना अगर डूब भी जाए तो आपको नुकसान ना हो, आप कंगले ना हो। ये रूल भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए। रूल नंबर थ्री, डोंट बी अ स्लेव टू मनी। आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म का गोल बनाकर चलना होगा जिसमें आप सिर्फ पैसों को सोचकर नहीं चलेंगे। आपको जिंदगी में हमेशा पैसे से ऊपर रहने की सोचना है, पैसों को अपने ऊपर रखने की नहीं। जहां पैसा हो आप नहीं होने चाहिए, बल्कि जहां पर आप हैं वहां पैसा होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी में जितनी खुद की वैल्यू बनाएंगे तो उससे कई गुना ज्यादा आपको उस वैल्यू का प्रॉफिट मिलेगा, पैसों में और आपके फेम में। अगर आपकी पहचान आपके पैसों से होती है तो मतलब आप गलत दिशा में चल रहे हैं। आपकी पहचान आपके काम से होनी चाहिए। एलोन मस्क को लोग उनके स्पेसएक्स, टेस्ला ऐसी कंपनीज से जानते हैं, जेफ बेजोस को उनके बिजनेस अमेज़न की वजह से, टिम कुक को एप्पल की वजह से, वॉरेन बफेट को इसलिए जानते हैं कि वो स्टॉक्स के सबसे बड़े महारथी हैं। ऐसा तो करोड़ों लोग करते हैं, उन्हें इसलिए जानते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी दुनिया में सबसे अलग है। इसी तरह आपको भी अपना एक अलग करेक्टर रखना होगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। तो ये कुछ तीन रूल्स थे जो आप लोगों के साथ शेयर करने थे। वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और इसे एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।